अस्सलाम आई एम हेयर आई एम एन आई एम हेयर टू डी चैप्टर नंबर एलेवन कॉन् द कॉन्सेप्ट ऑफ टू नेशन स्टेट एंड इससे पहले हम जोग्राफी सेक्शन पढ़ रहे थे और ये हिस्ट्री सेक्शन है और पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम uh, पाकिस्तान हमने बहुत जद्दोजहद से हासिल किया और उसकी कुछ बेसिस थे इस चैप्टर में हम वो डिस्कस करेंगे ठीक है टू नेशन थ्योरी क्या है द टू नेशन थ्योरी इज इट्स सिंपलेस्ट मीनिंग द कल्चरल पोलिटिकल रिलीजियस इकोनॉमिक एंड सोशल सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू मेजर कम्यूनिटीज हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ठीक है दो तरह के uh, जो नेशंस थी वो रहती थी जिनके आपस में कल्चर पोल पॉलिटिक्स रिलीजनज एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस uh, बहुत ज़्यादा थे और उसी बेसिस पे ये टू नेशन थ्योरी बेस कर रही है ठीक है डिफरेंस बिटवीन टू दिस टू नेशन टू नेशंस इनका क्या क्या डिफरेंस था जैसे रिलीजियस डिफरेंस uh, जो है वो ओबियसली मुस्लिम्स जो हैं एक अल्लाह को मानते हैं नमाज़ पढ़ते हैं जक्आत अदा करते हैं हज अदा करते हैं और uh, जो लॉ लॉज हैं उनको उनको ओबे करते हैं मुस्लिम्स आर बिलीवर ऑफ वन गॉड एंड द प्रॉफिट मोहम्मद अलैहि वसल्लम एंड द होली बुक कुरान इस पर वो uh, अपना पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है मुस्लिम्स की ठीक है जबकि हिंदूज जो हैं वो हिंदुज़म पे बिलीव करते हैं और हिंदुज़म बेस करता है हिंदुज़म जो है वो बेस करता है मल्टीपल गॉड्स पर ठीक है और उनकी जो सोसाइटी है वो कास्ट सिस्टम में डिवाइडेड है और ये कास्ट सिस्टम जो है वो नैरो अप्रोच रखते हैं और एक दूसरे के काफ़ी जो हकूक हैं उनको आगे पीछे उथल पुथल भी करते हैं एक दूसरे के हकूक़ को सल्ब भी किया जाता है यहाँ पर ठीक है कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो भी मुस्लिम्स के पास और हिंदूज के मौजूद थे जिसकी वजह से ये कल्चरल डिफरेंसेस भी इसकी बेस बने टू नेशन थ्योरी की आगे चल के हम वो भी आपको दिखाएंगे ठीक है अच्छा सोशल डिफरेंसेस जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे मुख्तिक के क्लोथ्स में फूड्स में और वे ऑफ लिविंग स्टाइल में ये तमाम जो हैं सोशल डिफरेंसेस भी आपको मिलेंगे इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हैं आफ्टर एटीन फिफ्टी सेवन द मुस्लिम इकोनॉमिक्स वाज रस्ट एंड ऑल रेड पॉलिसीज वर फॉम फ्रेम्ड इन सच अ वे सो एज़ टू डिटरमाइन द मुस्लिम कंडीशन they were thrown out of the द services and the their estates and properties were con, confiscated ठीक है मुस्लिम्स को लेट uh, डाउन करने के लिए उनको हर तरह से इकोनॉमिकली लेट डाउन करने के लिए जो स्पेशली uh, 1857 की जो वॉर है उसके बाद uh, जो है मुस्लिम्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा बाय द हिंदूज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एजुकेशन एजुकेशनल डिफरेंस ये एजुकेशनल डिफरेंस जो है वो ज़्यादा तेज़ी से तब शा, शामिल हुआ कि जब इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जबकि मुस्लिम्स ने जो है वो कहा कि नहीं हम रिसीव नहीं करेंगे इस हैवी इंग्लिश लैंग्वेज को और हम जो है अपनी जिसकी वजह से ये इकनॉमिक कंडीशन जो है मुस्लिम्स की वो काफ़ी नुकसान का बाइस बनना शुरू हो गए पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी आ गए स्पेशली 1857 की वॉर के बाद हिंदूज़ ने पूरी पूरी कोशिश की कि मुस्लिम्स को किसी तरह से जो है लेट डाउन किया जाए और उनको दबाया जाए एक नेशन के तौर पे वो सामने ना आ सकें Hindus and Muslims have played an important role in the development and evolution of two theory. They have different ideologies. That's why they have different political purposes. Um, uh, सियासी जो रात थी वो दोनों की एक आगे चलकर आए अलग होना शुरू हो गई ठीक है द थिंग्स विच फोर्स द मुस्लिम्स टू हैव अ सेपरेट स्टेट कौन सी ऐसी चीज़ें जो मुसलमानों को फोर्स कर रही थी कि हमने स्टेट सेपरेट स्टेट लेना ही लेना है ठीक कौन, हिंदु, है वो दो डिफ्रेंसेस थे हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी एटीन सिक्सटी सेवन में हिंदू हिंदुओं ने ये डिमांड किया कि जो उर्दू है वो हिंदी स्ट्रिप्ट में यानी रस्म खात में लिखा जाए नॉट इन पर्शियन स्ट्रिप्ट यानी उसका जो अपना रस्म ख़त है उर्दू को वो छोड़ के हिंदी तरीके जो राइटिंग स्टाइल है उसमें लिखा जाए जिसकी वजह से मुस्लिम मुस्लिम्स और हिंदूज़ में गैप आना शुरू हो गया ठीक है उसके बाद कांग्रेस एटीट्यूड कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्मड इन एटीन फिफ्टी ठीक है ये पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ये मुश्तर जमात थी पॉलिटिकल पार्टी थी मुस्लिम और हिंदूज़ की सब कॉन्टीनेंट में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो इन दोनों ने मिलकर तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया था और कहा था कि हम ये ब्रिटिशर्स वापस चल जाएं और हम जैसे पहले ज़िंदगी गुजारते वैसे ही हम गुजारेंगे बट आहिस्ता आिस्ा विद द पैसेज ऑफ टाइम Uh, इन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया और अपनी कम्युनिटी जो इंडिया इंडिया या हिंदूज थे उनको जो है वो सपोर्ट uh, करना शुरू कर दिया इंस्टेड ऑफ़ मुस्लिम्स और मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट थे उनको पीछे छोड़ना शुरू कर दिया था ठीक है टू नेशन थ्योरी एंड सम मुस्लिम पर्सनैलिटीज़ और लीडर्स कौन से हैं सर सैद अहमद खान सबसे पहले जो टू नेशन थ्योरी देने वाले uh, इंसान थे वो सर सैद अहमद खान थे उन्होंने मुसलमानों के लिए टर्म नेशन जो है वो यूज़ किया था और उर्दू हिंदी कं, कंट्रोवर्सी जो है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी अलामा इकबाल उन्होंने अपने uh, खुद बाद में जो है वो इसको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया और मुसलमानों के लिए एक अलग स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उनको जो है वो किया और इसमें तमाम जो प्रोवेंसेज हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया था ठीक है कायद अजम मोहम्मद अली जना वो लीडर थे जिन्होंने इन इन दोनों लीडर्स के जो व्यूज़ थे और उनकी जो सोच थी उसको आगे चल कर हमारे लिए मुमकिन बनाया कि हम पाकिस्तान हासिल कर सकें ठीक है द लीडर्स एंड देयर थिंकर्स ये हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने काम किया और कायद अजम मोहम्मद अली जनाबाल सर सैदान खान चौधरी रहमद अली इन तमाम लीडर्स ने जो हैं वो हमारे मुसलम पाकिस्तान का हासिल करने में हमारी बहुत हेल्प की दे हैव अ डिमांड दैट टाइम टू हैव अ सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम ठीक है इनफैक्ट टू नेशन थ्योरी वॉज दी एंटी फॉर हिंदूज एंड फॉर द मुसलिम दिस वॉज द आइडियोलॉजी ऑफ विच कैन चेंज द लाइफ ऑफ द मुस्लिम ठीक है इसी को हम आइडियोल ऑफ पाकिस्तान कहते हैं यानी हिंदूज़ ये कहते थे कि फ, आ, सब कॉन्टीनेंट में बड़ी कौम हिंदुओं की है इसलिए पावर का हक हाँ हमें हासिल है और ब्रिटिश जो हैं वो हमें पावर देके के यहाँ से चले जाएं बट मुसलमानों ने यह आवाज़ उठाई कि नहीं दो बड़ी कौमें आबाद हैं कौम का जो लफ्ज़ है या नेशन का जो लफ्ज़ है मुस्लिम्स के लिए हमारे लीडर्स ने उठाया और उन्होंने उन्होंने ये कौम का लफ्ज जो है इंट्रोड्यूस करवाया मुस्लिम्स के लिए ताकि उनकी अलग एक आइडेंटिटी हो सके और रीजंस में आपको बता चुकी हूँ कि क्यों डिफरेंसेस आना शुरू हो गए थे हिंदूज़ में और मुस्लिम्स में जिसकी वजह से मुस्लिम लीडर्स ने ये रिकगनाइज़ किया कि हम अब मजीद एक साथ नहीं रह सकते और उसका बेस्ट सोलूशन ये ढूँढा कि हम दोनों सेपरेट स्टेट्स जो हैं वो ले लें ताकि आज़ादी से हम रह सकें तो मुस्लिम्स ने ये डिमांड फिर की कि हमें आ, सेपरेट होम लैंड दे के जाएं हम सेम होम लैंड में एक साथ अब दो नेशंस नहीं रह सकते क्योंकि कन्फ्लिक्ट कन्फ्लिक्शंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे और अख्तिलाफ़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे जिसकी वजह से मुस्लिम्स और हिंदूज एक साथ अब नहीं रह सकते थे ठीक है द मेन थिंग वाज दैट मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ वर डिफरेंट इन एवरी परस्पेक्टिव ऑफ़ लाइफ हर लिहाज से अगर देखा जाए तो वो मुस्लिम और हिंदूज एक दूसरे के अपोजिट थे डिफरेंट नहीं थे बिल्कुल अपोज़िट भी थे ठीक है टू ने वन नेशन थ्योरी वर्सेस टू नेशन थ्योरी इसको मज़ीद ऐसे समझ लें कि अगर एक बोर्ड है और वो दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में दो इंसान हैं उसको वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों एक अपनी अपनी डायरेक्शन में उसको ले जाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा बोर्ड क्या एक तरफ भी जा पाएगी नहीं जा पाएगी और उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि दोनों को अलग अलग बोर्ड्स मिलनी चाहिए ठीक है तो क्या होता अगर कि एक ही स्टेट में होते तो मुश्किल हो जाता ठीक है एटलीस्ट मुस्लिम्स गॉड दे आर सेपरेट स्टेट वी शुड क्लैप फॉर द मुस्लिम्स टू हैविंग अ ग्रेट सक्सीड Pakistan, zindabad and you have take a home task. You have a home task. Answer all the questions given in your textbook on uh, page number ninety-three. Good luck, best of luck, and. प्लीज़ बुक को रीड करिएगा जो चीज़ें रह गई हैं uh, मैंने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं बाकी आपने रीड करना है वो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी बुक में मौजूद हैं अच्छी डिटेल में मौजूद हैं तो उसको रीड कीजिएगा ताकि आपके कन्फ्यूजन जो हैं वो क्लियर हो जाएँ ओके okay,